जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास से यूपी बोर्ड क्लास 12th के मैथ के प्री बोर्ड एग्जाम 2022-23 का मॉडल पेपर, और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि बोर्ड एग्जाम में किस क्वेश्चन नंबर पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, कहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, कहां पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा। सारे क्वेश्चंस की जानकारी आपको इसी प्री बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर से मिल जाएगी, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पहला क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो पहला क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय, और यह है यदि f such that r belongs to r, fx बराबर 3x स्क्वायर की होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो f ऑफ f x बराबर है तो एक, ठीक है, ये एक नंबर क्वेश्चन है। अगर f ऑफ f x बराबर है तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, x की पावर 1/3 सही है या x क्यूब या x या 3 - x³ ये सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो आपको बताना है। सिचुएशन ये है कि f ऑफ f x बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, tan इनवर्स tan 7π/6 का मान किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। जो सा भी ऑप्शन सही होगा आपको उसे आपकी परीक्षा में लिख देना है। गा वाला है कि a i j m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह होगा यदि, ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है कि ये जो है a हमारा वर्ग आव्यूह होगा, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है, कि इस कंडीशन में वर्ग आव्यूह होगा ए, कि इस कंडीशन में होगा या इस कंडीशन में होगा या इस कंडीशन में होगा, तो कौन सी कंडीशन सही है ए के वर्ग आव्यूह होने के लिए, इस पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अवकल समीकरण, ये आपको एक अवकल समीकरण दिया गया है, इसकी आपको घात बतानी है कि इसकी घात कितनी है, 3 है, 2 है, 1 है, तो सिंपल सा आपको पता है 3 ही होती है, क्योंकि जो भी घात ज़्यादा है उसको हम मान लेंगे इसकी घात है, एकदम आसान सा है, तो आपको इसमें घात बतानी है। पांचवा क्वेश्चन आप में दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, पी ए बाई बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसको आप ज्ञात कर लेंगे, पहले चैप्टर का है, आसानी से हो जाएगा। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन हल करने हैं, जितनी कम लाइनों में हो सके उतनी कम लाइनों में हल कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये tan इनवर्स 3/4a है तो साइन 2a का मान, ठीक है, tan इनवर्स 3/4a है तो साइन 2a का मान आपको बताना है। अगला है, यदि x2 18 x = 6 2 18 6 हो तो आपको x का मान बताना है, ठीक है, ये हो गए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सरलीक है, आसान है ये। अगला है हमारा, सदिश i कैप + 2j कैप + 3k कैप की दूरी को जाएं ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे को तीन बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका पाँचवा, आपको ये बताना है इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे होगा, ये आपको दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन आप करके इसका मान लिख देंगे, दो लाइन में आप करेंगे, दो लाइन में आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आता है, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, एक बात बता दें आपको, ये 100 नंबर का जो मैथ का पेपर होता है 12th में, वो 100 नंबर का पूछा जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का 70 नंबर का आता है, क्योंकि उसमें 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन जिन्होंने मैथ लिया है उनको 100 में का पूर्णांक दिया जाता है, आपको 100 के 100 नंबर इसी पेपर से मिल रहे हैं। ये देखते हैं हम, ये है, दिखाइए कि फलन f such that n to n दिया है, fx बराबर इतना है, f1 बराबर इतना दिया गया है, तो आपको बताना है एक एक ही नहीं है, तो आपको ये आपको बताना है कि नहीं है, प्रत्येक x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, दिखाइए, लिखा है दिखाइए, तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो है आच्छादक है, f1 जो है आच्छादक है, एक एक ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर a बराबर 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप और b वेक्टर बराबर 2i कैप + 4j कैप + 3k कैप, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि xy = c² है तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर है साइन
पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का आपको मान बताना है। दो नंबर में है, कितना भी शॉर्ट में आप कर सकते हैं। चार लाइन के अंदर अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है सही सही तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास ट्वेल्थ के, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के सभी पेपर्स, उस प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी कि गणित में पास होने का रामबाण तरीका या गणित में पास होने का फॉर्मूला, ऐसा कुछ लिखा होगा, उसको आप देखिएगा। और उसको देखने के बाद ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप बिना पढ़े इनको अगर सॉल्व कर देंगे, ऐसी उसमें लाइनें बताई गई हैं कि अगर उनको आप यूज कर देते हैं अपने पेपर में तो आपको 100 में से 33 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। और ये पासिंग मार्क आपको वो वीडियो दिला देगी, 5 मिनट की या 6 मिनट की वीडियो होगी, आप उसे जरूर देखिएगा अगर आपको ट्वेल्थ में पास होना है कम पढ़कर या आपकी तैयारी नहीं है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है, यदि एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर है आपका ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसका आपको मान बताना है। अगला चौथा हम क्वेश्चन देखते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का है ये भी। ये है हमारा, यदि वाई बराबर एक्स की पावर कॉस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। फिर खा है अव्यू 2 - 2 = 4 - 3 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। फिर है, यदि सदिश 2i - j + 5k - p, i + j - k एक दूसरे पर लंब हैं तो आपको किसका मान बताना है। तो यहाँ पर इसका मान आपको बताना है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर कुछ रहना चाहिए कि इसका आपको मान बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसमें आपको देखेंगे तो आपको p का मान बताना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे सेमी कॉलन बना दिए हैं तो आपको इसमें p का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं शताब्दी के यादृच्छता चुने गए एक वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, 22वीं सदी में 53 रविवार आएंगे, इसकी प्रायिकता क्या है। तो एक सप्ताह में 52 सप्ताह होते हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर कुछ नहीं आता है तो 4-5 लाइन आप लिखेंगे, उसके बाद लिख दीजिएगा कि प्रायिकता 0 है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वां क्वेश्चन, ये है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन आपका। ये है, सभी खंड हल कीजिए, अवकल समीकरण आपको दिया है, इसको हल करना है पूरे को। फिर क्या है, आपको x का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए सदिश तथा ये सदिश दोनों समतलीय हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका गा वाला, और ये है कि y बराबर अंडर रूट एक्स और y बराबर एक्स से परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, 5 नंबर का है। प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा आवयव का व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है। अगला है इंटीग्रेशन आपको करना है, इसको आप कर दीजिएगा। और नीचे हम देखते हैं, ये 6ठा क्वेश्चन है, 6ठे में आपको सत्यापित करना है कि ये जो है इसके बराबर होगा। सत्यापित करने वाला आसान रहता है, आप 2-3 पेज इसमें लिखिए, 5 नंबर का है तो कम से कम आप 2 पेज लिखिए और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसी को आप घुमा कर लिखे रहेंगे तो 5 में से 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वक्र, ठीक है, क्या है, वक्र एक्स बराबर a cos³θ, वाई बराबर a sin³θ, तो थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है रेखाओं x+1/7, y+1/-6, z+1/1, तो आपको ये है, इनके बीच आपको क्या करनी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। 2 रेखाओं का समीकरण आपको दिया गया है और आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। घा वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिखाइए कि समुच्चय इतना दिए गए संबंध एक तुल्यता का संबंध है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तुल्यता संबंध आपको दिखाना है। 5वां क्वेश्चन, यदि a बराबर b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए a b में से न्यूनतम होने की प्रायिकता इतनी होगी। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे, किसी एक खंड को हल कीजिए, ये होता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ा कीजिए क्योंकि 8 नंबर का है। अगर आप 3 पेज लिख कर आएंगे तो आपको कम से कम 4 नंबर या 3 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 4 तो मिल ही जाते हैं यूजुअली। अगर आप इसको पूरा 3 पेज करके आएंगे, गलत ही करके आएंगे, लेकिन 3 पेज करेंगे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या करना है, किन्हीं 2 खंडों को हल करना है, अवकल समीकरण एक है और एक इंटीग्रेशन है, यानी कि एक आपका अवकलन करना है, एक समाकलन करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे 8वां है, 8वें में भी आपको किसी एक खंड को ही हल करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं।
आठ आठ नंबर के दो क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।